आई गाइस हर्षित आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल आप सामने गाड़ी देखो मारुति सुजुकी स्विफ्ट LXi वेरिएंट। सबसे पहले मैं इसकी प्राइसिंग से स्टार्ट कर देता हूँ। 5,99,000 की इसकी प्राइसिंग मिल जाती है एक शोरूम गुड़गांव हरियाणा में। एंड ऑन रोड लगा के जाओगे तो सब कुछ मिला के जो इसकी प्राइसिंग जाती है वो 6,71,000। इस वीडियो में आपको फुल रिटेल रिव्यू शेयर करूंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छी लगे लाइक कर देना। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम, अलग से रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती है, फॉग लैंप्स गाड़ी में देखने की नहीं मिलती। ग्रिल पे देखो तो यहाँ पे क्रोम की स्ट्रैप मिल जाती है, सुजुकी के लोगो एंड सिंगल ग्रिल मिल जाती है। लेंथ इस गाड़ी में मिल जाती है 3845 mm की, विड्थ 1735, हाइट जो गाड़ी मिलती है वो 1530 एंड व्हील बेस जो है इसका 2450 mm का है। फिलहाल साइड लुक कुछ देखते हैं ऐसी है, बिल्कुल सिंपल गाड़ी है, ऐसे कुछ खास नहीं है। इंडिकेटर फेंडर पे मिल जाता है, बाकी स्पेयर व्हील मिल जाता है विदाउट व्हील कवर, जिसका साइज है 165/80R14, ORVM ब्लैक मैट में मिल जाता है एंड डोर हैंडल भी ब्लैक मैट में मिल जाता है। पीछे का डोर हैंडल पूरा ब्लैक मैट मिल जाता है। बाकी मारुति कोई भी गाड़ी देख लो पीछे से उसकी लुक बढ़िया मिलती है, चाहे LXi हो, ZXi हो, कुछ भी हो। ऊपर एंटीना मिल जाता है ऐसे सिंपल सा, हाई स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, डिफोगर या वाइपर गाड़ी देखने को मिलता है सुजुकी के लोगों। बाकी पूरी टेल लाइट अपनी LED मिल जाती है, यहाँ पे इंडिकेटर है, यहाँ पे रिवर्स लाइट, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं गाड़ी में। अब ये तो खैर मैंडेटरी होगा कि पार्किंग सेंसर और 2 एयरबैग तो मस्ट है चाहे कोई भी गाड़ी हो। लेफ्ट साइड में इसका फ्यूल टैंक मिल जाता है जिसकी कैपेसिटी है 37 लीटर एंड ये पेट्रोल वर्जन दिखा रहा हूँ मैं आपको। बाकी बाहर से पूरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, अब बारी आती है तो अंदर की अंदर से पूरा कवर करवाता हूँ। सबसे पहले सेंटर लॉकिंग गाड़ी में नहीं मिलती, वो सिंपल सी की मिलती है जो कि मारुति हर गाड़ी में जो पहले से कंटिन्यू करती आ रही है वही मिलती है। डोर ट्रिम की बात आए तो पूरा ब्लैक में मिलता है, नीचे साइड मैगजीन होल्डर, बोतल होल्डर, स्पीकर गाड़ी में देखने को नहीं मिलता एंड ये विंडोज अपना मैनुअली अप डाउन कर सकते हो। बाकी ब्लैक, पूरा ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलता है गाड़ी में। अब फिलहाल स्पेस तो गाड़ी में खैर बढ़िया है, पीछे का भी आगे का भी। पीछे मैं अभी चल के दिखा देता हूँ, सबसे पहले आगे के फीचर्स कुछ देख लो LXi में क्या आता है। वैसे ज्यादा कुछ खास तो नहीं आता लेकिन फिर भी स्टीयरिंग तो स्विफ्ट का मैंडेटरी है कि उसमें फ्लैट बॉटम मिलता ही है एंड बीच में होरन कंट्रोल्स तो कुछ भी मिलते नहीं है। खैर MID कुछ ऐसी मिल जाती है सिंपल सी, अतर मारुति की LXi में यही आपको MID देखने मिलेगी। राइट साइड में इंडिकेटर है, लेफ्ट साइड में वाइपर्स के कंट्रोल। यहाँ से अपना डोर खोल लो एंड यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, वो भी मैंडेटरी करती है। यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हो। बीच में 2 AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, साइड में थोड़ी क्रोम की स्ट्रिप कर रखी है एंड हजार लाइट मिल जाती है इंजन अवेलेबल के साथ। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, खैर ये पता नहीं शायद किसी बंदे ने कुछ लगाया होगा जब खोल रखा है। नीचे मैनुअल AC मिल जाता है, नीचे यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, बाकी USB टाइप सी कुछ आता ही नहीं है जब वहाँ पे स्टीरियो ही नहीं है। तो थोड़ी स्पेस, 2 कप होल्डर, गियर वे ब्लैक कलर मिल जाता है, बाकी साइड में थोड़ी सिल्वर कलर की फिनिश दे रखी है। हैंड ब्रेक भी ब्लैक कलर का है, उसके नीचे थोड़ी स्पेस दे रखी है। बाकी गाड़ी का स्पेस ठीक ठाक है, यहाँ पे पीछे भी थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, कोई इंश्योरेंस रखनी है तो वो रख लो। सनवाइजर की बारी आए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, टिकट होल्डर तक नहीं मिलती। मिरर भी वो सिंपल सा है, यहाँ पे जो नॉब मिलती है ना डे नाइट मैनुअल वाला वो भी नहीं मिलती। बाकी हेलोजन इसमें लाइट मिल जाती है यहाँ पे एंड पैसेंजर साइड भी कुछ नहीं मिलता। 2 एयरबैग मिल जाते हैं गाड़ी में, एक यहाँ पे एंड एक जो यहाँ पे रहता है सब गाड़ी में। ग्रैब हैंडल तो खैर इसमें स्प्रिंग वाले मिल जाते हैं, वो नट से कस दिए वो वाले नहीं मिलते। 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं आगे एक साइड, स्टक डी रहते हैं, एडजस्टेबल नहीं मिलते। बाकी फ्रंट स्पेस तो मैंने आपको बता ही रखा है, बहुत बढ़िया मिलता है ऐसे, ठीक है। अब पीछे की बारी आते हैं, पीछे मेन है, पीछे कैसा स्पेस मिलता है। यहाँ से अपनी सीट रिक्लाइन कर सकते हो एंड यहाँ से अपना आगे पीछे एडजस्ट करनी है तो वो कर सकते हो। उसके नीचे यहाँ पे बूट ओपनर मिल जाता है एंड फ्यूल लिड ओपनर। चाहे वैसे गाड़ी में 2 स्टार रेटिंग मिलती है लेकिन फिर भी बंदे खरीदते हैं इसको क्योंकि हाइप ही इतनी बढ़ रही है, स्विफ्ट मॉडिफाई करवा लेते। पीछे के डोर ट्रिम में यहाँ पे बोतल होल्डर, स्पीकर मिलता नहीं है, ये भी मैनुअली मिलता है। बाकी पूरा ब्लैक इंटीरियर मिलता है। अब स्पेस मैंने अगले वाली सीट जो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, पीछे स्पेस देखते हैं कैसी मिलती है। थाई स्पोर्ट इतना कुछ नहीं मिलता, नी रूम भी ठीक ठाक है, हल्का सा स्पेस मिलता है बिल्कुल। गाड़ी वैसे तो 5 सीटर लेकिन यहाँ पे छोटा सा हम मिल जाता है, बीच में जो बैठेगा उसको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। पूरी गाड़ी में 4 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 2 आगे 2 पीछे, पीछे के भी स्ट्रक्ड रहते हैं जैसे आगे के स्ट्रक्ड रहते हैं। पीछे की साइड भी वही 2 ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड पता नहीं क्यों नहीं मिलता। पीछे अपनी बूट जो है वो आप यहाँ से ओपन नहीं कर सकते, मैंने आपको जो आगे नोब दिखाया था ना ड्राइवर साइड, सिर्फ वहीं से ही ओपन हो सकते हैं। चाहे आपको सामान निकाल लो पीछे से लेकिन ड्राइवर को परेशान करने पड़ेगा, अपने यहाँ से सिंपली खोल लो और पीछे जाके बूट वैसे पूरी ऊपर तो नहीं होती लेकिन आप फिर भी अनलॉक हो जाते हैं, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ऐसा हाथ डालो ऊपर हो जाती है। बट पार्सल ट्रे गाड़ी में नहीं मिलती एंड 268 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे टूल किट मिल जाती है, इसके नीचे जो है स्पेयर व्हील मिलता है जिसको आपको पता ही है एक साइज कम मिलता है हर गाड़ी में। मैंने आपको स्पेयर व्हील दिखाने के लिए उठाया था, देखो बंद भी नहीं हो रहा, कैसी फिट एंड फिनिश दे रखी है, टूल की टटाई एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसा बंद हो जाए, तो देखते हैं अभी हो गई फाइनली बंद। यहाँ पे प्लास्टिक मिल जाता है वैसे एंड यहाँ से अपना खोल सकते हो, अगर खुल जाए तो यहाँ पे इसके अंदर टूल किट रख सकते हो। इस साइड में एक हैंगिंग हुक मिल जाता है, बाकी इसी के साथ पूरी गाड़ी कंप्लीट होती है। बस एक चीज़ जो गाड़ी में रहेगी वो है इसकी इंजन स्पेक्स, अब मैं आगे चल के बोनेट ओपन करके दिखाता हूँ।
बोनेट मैंने खोल लिया है, इंजन यहाँ पे मिल जाता है 1200 cc का चार सिलेंडर के साथ, एंड ऊपर की साइड यहाँ पे इंसुलेशन के लिए क्लोथिंग मिल जाती है। बाकी बोनेट एकदम हल्का सा है, 2-स्टार रेटिंग है इसलिए पता चल जाता है बिल्कुल हल्का सा है। 1200 cc का इसमें इंजन मिल जाता है डुअल जेट 4 सिलेंडर के साथ, जो कि निकालता है 89 bhp विद 139 टॉर्क। माइलेज जो कंपनी इसकी क्लेम कर रही है 22 की। बाकी इसी के साथ पूरी गाड़ी कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।